सो गाइज आई हैव गॉट माई हेयर कट गाइस ये जो मैंने बोला समझ में आएगा नहीं आया हो तो नहीं आएगा जी इंग्लिश की प्रैक्टिस कम की है तो नहीं आएगा अब एक बात सुनो ये बोलना कितना आसान है ना कि गाइस मैंने अपने बाल कट दिए हैं गाइस आई हैव कट माई हेयर सिंपल है ना आई है लेकिन जब हम बोलेंगे गाइस मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं तब डिफिकल्ट हो जाए यार कटवा लिए हैं <laughs> तो जब हम किसी से काम करवाते हैं तो हम बोलते हैं गेट दिस काम डन थर्ड फॉर्म एक्शन जैसे मैं बाल कटवाता हूं आई गो आई गेट द हेयर कट मैं कार धुलवाता हूं गेट द कार वॉस्ट समझ में आया खाना बनवाता हूं गेट द फूड मेड कपड़े से लवाता हूं गेट द क्लोथ स्टिच सो गेट ये वाला काम थर्ड फॉर्म ये करवाना होता है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं उन सेंटेंस की जिसमें हम कहते हैं काम हमने करवा लिया है तो इसका जो फिगर है वो ये है स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आई हैव गॉट क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी ना इसके साथ द काम डन फिर से थर्ड फॉर्म आएगी समझ में आ गया जैसे मैंने अपना मुंह धो लिया है आई फेस सभी बोल लेंगे इसमें क्या है अब परेशानी आएगी मैंने अपना मुंह धुलवा लिया है आई हैव गॉट माई फेस वॉश समझ में आ गया समझ में आ गया ना इसकी ही प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूला सामने लिखा है एक दो बार सोच लो और फिर प्रैक्टिस करने बैठना देखो जिस वीडियो से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी है वहां से आप एक्सेस करके आराम से प्रैक्टिस करना लेकिन पहले देख लो कि प्रैक्टिस करनी कैसे है अभी जो मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं उसे आपको ध्यान में रखना है कि चिलो के बोलना ऐसे नहीं आई हैव हैव डन आई गॉट माय हेयर कट नहीं नहीं आराम से

तुमने मेरी बाइक रिपेयर करवा दी है यू हैव गॉट माय बाइक रिपेयर्ड हमने अपनी कार चलवा ली है वी हैव गॉट आवर कार ड्रिवन मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं आई हैव गॉट माय क्लोथ्स वॉश्ड उन्होंने पेड़ कटवा दिया है दे हैव गॉट द ट्रीज कट मैंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं I have got my clothes stitched. हमने अपना रूम साफ करवा लिया है। है। मैडम ने लिखवा दिया है। Madam has got written. हमने ये लेटर दिल्ली भिजवा दिया है We have got this letter sent to Delhi. तुमने पौधों को पानी दिलवा दिया है यू हैव गॉट द प्लांट वॉटर मैंने बाल्टी में पानी भरवा लिया है आई है वॉटर फिल्ड इन द बेट तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं यू हैव गॉट यूर हेयर मैंने वीडियो बनवा ली है आई हैव गॉट द वीडियो मेड किसान ने अपना खेत जुतवा लिया है the has got his, uh, plugged. हमने गाना गवा लिया है We have got the song, अभी मैंने अपनी कार नहीं धुलवाई है आई येट अभी तुमने मेरी बाइक रिपेयर नहीं करवाई है यू हैव नॉट गॉट माई बाइक रिपेयर अभी हमने अपनी कार नहीं चलवाई है अभी मैंने अपने पेड़ नहीं कटवाया है देव नॉट ग्री कट अभी मैंने अपने कपड़े नहीं सिलवाए हैं आई है I have not got my अभी हमने अपना रूम साफ नहीं करवाया है आई नॉट गट माई रूम क्लीन मम्मी ने रोटियां नहीं सिखवाई हैं। हैज नॉट उन्होंने अपना होमवर्क नहीं करवाया नॉट अभी मैडम ने कुछ नहीं लिखवाया मैडम अभी हमने ये लेटर दिल्ली नहीं भेजवाया पानी नहीं दिलवाया uh, अभी मैंने बाल्टी में पानी नहीं भरवाया अभी तुमने अपने बाल नहीं कटवाए हैं। अभी मैंने वीडियो नहीं बनवाई है not got the video made yet। अभी किसान ने अपना खेत नहीं ज़ुतवाया है मैंने अपनी कार धुलवा ली have है क्या तुमने मेरी बाइक रिपेयर करवा दी got है my bike repaired? क्या हमने अपनी कार चलवा ली है we got our car driven? क्या मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं क्या उन्होंने पेड़ कटवा दिया How है they got the tree cut? क्या मैंने अपने कपड़े सिलवा लिए हैं क्या हमने अपना रूम साफ करवा दिया have है क्या मम्मी ने रोटियां ली क्या उन्होंने अपना होमवर्क करवा दिया है क्या uh, मैडम ने लेटर लिखवा लिया have, है has the madam got the letter written? क्या हमने ये लेटर दिल्ली भिजवा दिया है हैव वी गॉट दिस लेटर सेंट टू दिल्ली क्या तुमने पौधों को पानी दिलवा दिया Have है हैव यू गॉट द प्लांट्स वाटरड क्या मैंने बाल्टी में पानी भरवा दिया Have है आई गॉट द वाटर फिल्ड इन द बकेट क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं क्या मैंने वीडियो बनवा ली है वीडियो मेड क्या किसानों ने खेत जुतवा लिया है हैज़ द फार्मर गॉट द फील्ड प्लग्ड क्या हमने गाना गवा लिया है सो गाइस इट्स 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 वाज वेरी डिफिकल्ट हाँ था लग नहीं रहा ना भाई देख क्यों लगेगा जब तुम खुद करोगे तब लगेगा ठीक है के सेंटेंस को अच्छे से डिलीवर करना इट्स अ वेरी बिग थिंग इन इंग्लिश वैसे तो हम कुछ भी बोल सकते ना अब अब तुम एक काम करो जरा चेक करो अपनी इंग्लिश ठीक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सेम वीडियो ये जो वीडियो जिससे मैंने प्रैक्टिस की है ना अभी ये वीडियो का लिंक दिया है जरा चेक करके देखो कि तुम इतना भी बोल पा रहे हो नहीं फिर बताना मुझे ठीक है फिर आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन इंग्लिश बट स्टिल यू कांट स्पीक इन इंग्लिश पता है क्यों एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस ही नहीं की कैसे करोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब मैं नया कोर्स शुरू करूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना मेरे साथ ठीक है द नेक्स्ट वीडियो करते करते रहे करते रहे मेहनत सफल हो जाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं अभी डिफिकल्ट रख रहा है लेकिन जब मेरी क्लासेस चलेंगी सो ज, अगर आप सच्चे दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी द नेक्स्ट वीडियो जय हिंद जय भारत प्रैक्टिस करते रहना और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि तुम कितने पानी हो